मल्टी कैप श्रेणी की तरफ, जहां पर क्वांट एक्टिव, महिंद्रा मैनुलाइफ मनी मल्टी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, बड़ौदा और ICICI, ये पांच मल्टी कैप कैटेगरी के फंड हैं जो शीर्ष पांच में आने में सफल हुए हैं। इनके बारे में खास बातें क्या हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग बातें करेंगे क्योंकि 11 श्रेणियां हैं और उनमें 55 फंड्स हैं, उनके बारे में हमें बात करनी है। जी बिल्कुल। तो राजीव जी, मल्टी कैप कैटेगरी में भी पिछले वर्ष के हिसाब से हमारे तीन फंड ऐसे हैं जो पिछले वर्ष टॉप फाइव में थे और इस वर्ष भी टॉप फाइव में है। जो नए जो एंट्रेंट है वो है, अगर हम बात करें मल्टी कैप में, तो इनफैक्ट चार है, तीन नहीं चार, अगर नए एंट्रेंट की बात करें तो वो है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप, ये नया एंट्री है। अदरवाइज अगर हम बात करेंगे क्वांट एक्टिव, महिंद्रा मैनुलाइफ मल्टी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप और BNP बड़ौदा BNP परिवार मल्टी कैप, ये हमारे फंड हमारे टॉप फाइव में पिछले वर्ष भी हमारे टॉप फाइव में थे, राइट। तो ये जो है ये फंड मल्टी कैप कैटेगरी का एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है राजीव जी कि उसमें जो एलोकेशन जो होता है मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ वो ज्यादा होता है, राइट। तो वो एक रेगुलेटरी एस्पेक्ट से भी उसको देखना चाहिए। तो आज के समय में ये सारे फंड्स का अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनका मिड कैप में तकरीबन आप समझ लीजिए कि अराउंड 30-35 से लेके ऑलमोस्ट 37-38% तक मिड कैप में है। अगर हम बात करें बड़ौदा BNP परिवार मल्टी कैप की तो उनका जो मिड कैप एलोकेशन आज के समय में अराउंड 48% है, राइट। ठीक है, तो ये जो है ये फंड्स में थोड़े से रिस्क ज्यादा होते हैं, लेकिन ये सारे फंड्स जो है काफी कंसिस्टेंट रहे अक्रॉस द इयर्स। क्वांट एक्टिव फंड जो है तकरीबन अभी भी 9% जो है उनका FNOs में है, और अगर उनकी टॉप सेक्टर्स की बात करें तो वो है इंडस्ट्रीज, एनर्जी और मटेरियल्स, राइट। अगर हम बात करेंगे महिंद्रा मैनुलाइफ, ये भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है जो महिंद्रा मैनुलाइफ मल्टी कैप फंड, और ये हमने लगातार बहुत सारे वर्षों से देखा है, और ये फंड जो है उनकी जो होल्डिंग पैटर्न जो है काफी कंसिस्टेंट रखते हैं राजीव जी, तो वो कहीं ना कहीं उनकी कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी पे उनकी जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का जो अप्रोच है वो काफी अच्छा है। सेम चीज है निपॉन मल्टी कैप के बारे में भी, एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट मल्टी कैप फंड है अगर हम बात करें निपॉन मल्टी कैप फंड की तो, और बड़ौदा BNP की तो हमने बात जस्ट की कि उनका एलोकेशन जो है थोड़ा मिड कैप की तरफ ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि उनका जो एलोकेशन जो है लार्ज कैप में भी थोड़ा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप उन्होंने पिछले एक वर्ष में कम किया है। और जो नया एंट्रेंट जो है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप, ये फंड का परफॉर्मेंस जो ओवर लास्ट 2-3 साल है काफी अच्छा रहा है, और उनका भी एलोकेशन थोड़ा जो कैटेगरी से मैच होता है कहीं ना कहीं 52% लार्ज कैप में है, 32-34% जो है वो मिड कैप में है और बाकी स्मॉल कैप में है।